कुछ जानकारी देना चाहता हूं। देखिए, पाकिस्तान में मिसाइल अटैक करेगा चीन, बस पर हुए आतंकी हमले को लेकर चीन पाकिस्तान से नाराज है, यह तो बात साफ है। अब चाहे इसको आप किसी भी भाषा में इंटरप्रिटेशन चाहे कुछ भी करिए, कुछ भी इसका आप कुछ भी व्याख्या करिए, चीन ने आतंकियों पर कार्रवाई का दबाव बनाया है और यह पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा अब सबब बन सकता है मुश्किल का। क्यों, यह बताऊंगा मैं आपको। धमाके की जांच के लिए चीन अपनी टीम पाकिस्तान भेज चुका है। अभी अभी कासवर क्लासरा ने एक खबर ब्रेक की है कि वहां पर चाइनीज इन्वेस्टिगेशन की एक टीम पहुंच चुकी है। चीन विशेष बल और मिसाइल का इस्तेमाल भी कर सकता है, यह चीन के स्टेट ओन मीडिया ग्लोबल टाइम्स के एडिटर ने कहा है। चीन हर हाल में दोषी आतंकियों का खात्मा चाहता है, यह कहा गया है। और यह सवाल है कि क्या पाकिस्तान जो आतंकियों को पालता पोसता है अनिल सर, वो क्या चाइनीज दबाव में यह कार्रवाई करेगा? और मेरा तो सवाल जो आपसे पहले था वो भी बरकरार है कि यह क्या मैसेज है चीन का वर्ल्ड कम्युनिटी में पाकिस्तान के प्रति? देखिए, चीन का ये मैसेज अगर ग्लोबल टाइम्स को माने आप तो ये कोई वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए कोई मैसेज नहीं है, सीधी सी बात है। बिकॉज चीन ही ऐसा मुल्क है जिसने पाकिस्तान को हमेशा बचाया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। जब भी किसी टेररिस्ट जैसे लखवी वगैरह उन सबको करने की बात आई तो 5-6 बार पाकिस्तान चाइना ने सपोर्ट किया है पाकिस्तान को। तो ये तो वही भस्मासुर वाली बात है। देखिए, धीरे धीरे आप ही आते हैं कब्जे में, इवेंचुअली आप ही पे अटैक होगा। ये तो चीन का और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं, मैं ये कहना चाहूँगा आज और अभी अगले 10 साल तक आप देख सकते हैं कि चीन और पाकिस्तान के रिलेशंस में जहाँ तक, क्योंकि पाकिस्तान चीन के लिए एक टूल है, आप ये समझ लीजिए उसका फॉरेन पॉलिसी टूल है। नहीं, लेकिन अनिल सर, क्या ये बेइज्जती नहीं है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान से नहीं हो पा रहा कुछ? नहीं नहीं, वो तो सीधी बात है। जब आप अगर आप पीछे न्यूज में जाएं थोड़ा सा, तो जिस दिन ये हुआ था उसी दिन न्यूज आ गई थी कि चाइना और पाकिस्तान ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन करेंगे इसका। ये तो तभी आ गया था। तो ये तो एग्री, ये नॉर्मल होता है इसमें कि जहाँ पे भी कभी अटैक इस तरह की चीज़ें होती हैं तो उस कंट्री की टीम वहाँ पे जाती है जॉइंटली। अगर रिलेशन अच्छे हैं तो वो दोनों जॉइंटली उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। लेकिन ये सही बात है कि पाकिस्तान, चाइना फ्रस्ट्रेटेड है, लेकिन चाइना के लिए ये CPEC बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पाकिस्तान उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर है। आयरन क्लैड फ्रेंड्स बोलते हैं, हर जगह वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। और मैं कई मीटिंग्स में ऐसी बैठा हूँ जहाँ पे मैंने देखा है कि पाकिस्तान जैसी मुद्दा आता है चाइना एकदम उसको सपोर्ट करने लगता है ओपनली इरिस्पेक्टिव। और हर जगह इसी वजह से पाकिस्तान को एम्बोल्डन हो गया है। और इस वक्त अगर आप देखें तो चीन के सिर्फ दो ही ऐसे मित्र हैं जो बिल्कुल इसमें, एक तो ये पाकिस्तान, दूसरा नॉर्थ कोरिया, जो चीन को हर समय ब्लाइंडली सपोर्ट करते हैं। तो चीन भी उनको पूरी तरह सपोर्ट करता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।